अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। भाई आज मेन्यू में बन रहे हैं बहुत ही रिक्वेस्टेड डम्पलिंग्स। आई एम मेकिंग देम इन चिकन एंड मशरूम। पहली दफ़ा बना रही हूँ तो होपफुली अच्छे बनेंगे। एंड आई एम ऑल्सो मेकिंग ऑरेंज चिकन विद इट। ऑरेंज चिकन मैं पहले बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, बट दिस टाइम आई एम मेकिंग इट विद पैकेज जूस, क्योंकि ऑब्वियसली सीजन में ऑरेंजेस नहीं है। ये स्पेशली आई है उमर की तरफ से फरमाइश, बिकॉज ही डिडंट हैव जिम टुडे, ही वाज फ्री टुडे, सो आई एम मेकिंग ऑल ऑफ दिस फॉर अम्मा, उमर एंड मी। सो कीप वॉचिंग। अच्छा जी गाइज, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर द मशरूम चिकन डम्पलिंग्स। मैंने यहाँ पे लिए शिटाकी मशरूम्स, जो कि कुछ इस तरह के होते हैं, और ये बहुत हार्ड स्टिफ से मिलते हैं। इनको आपको पानी में सोक करना होता है फॉर अबाउट 20 मिनट्स, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। इनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, और साथ मैंने लिया है 350 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट, 1 चॉप्ड अनियन, ससमी ऑयल, डार्क सोया सॉस, लाइट सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, वाइट पेपर, चिकन पाउडर, और ग्रीन अनियन की जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो ले लिया है बल्ब्स को एक्सक्लूड करके। और लास्टली इसमें चला जाएगा 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं ये वाले डंपिंग पेपर्स यूज़ कर रही हूँ। ये मैं लेती हूँ F6 में, कोसार मार्केट है जहाँ पे GN स्टोर्स हैं, वहाँ से मैंने ये परचेज की हैं। वन इज़ फॉर लाइक 900 या 1000 रुपीज़, और इसमें 24 पेपर्स होते हैं। तो अगर आप स्क्रैच से चाहें तब भी डो बना सकते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू सेव अप ऑन सम टाइम, तो मैं ये वाले प्री मेड रैपर्स यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया एक फ्राइंग पैन, और इसमें मैं डाल दूंगी अबाउट 1.5 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। जैसे ये हीट अप होता है तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने अनियंस, उनको सॉटे करेंगे, और साथ मशरूम्स को कुक करेंगे फॉर अबाउट 8 to 10 मिनट्स। ऑयल हीट अप हो गया, अब इसमें मैं अनियंस ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से सॉटे कर देंगे फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। मैंने फ्लेम मीडियम लो के ऊपर रखी है। अनियंस सॉफ्ट हो गए हैं, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मशरूम्स। मशरूम्स को हम मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर कुक कर लेंगे फॉर अबाउट 8 to 10 मिनट्स। 8 to 10 मिनट्स हो गए थे और मशरूम्स अच्छे से फुली कुक हो गए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू लेट दिस कूल डाउन अच्छी तरह से। उसके बाद जो है हम सारी चीज़ों को चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे, और इसके बाद रैपिंग स्टार्ट करेंगे। जब तक मशरूम्स कूल डाउन हो रहे हैं, यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल एक पैन के अंदर, और जैसे ही हीट अप होगा तो उसमें मैं ऐड कर दूँगी गार्लिक और चिली फ्लेक्स, एंड वी गोइंग टू मेक आवर चिली ऑयल। ऑयल मीडियम लो फ्लेम पे हीट अप हो रहा है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गार्लिक। फ्लेम इसकी बिल्कुल लो के ऊपर है, और हमने इसे बस हल्का हल्का सा कुक करना है। बस ये अच्छा सा फ्रेग्रेंट हो जाएगा तो उसमें हम चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, और इसको फिर हम निकाल के इसमें विनेगर ऐड करेंगे, और थोड़ी सी सीजनिंग। गार्लिक को अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मिनट्स हम लो फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे, ताकि अच्छे से अपने जो ऑयल्स और फ्लेवर्स हैं उसको रिलीज़ कर दे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स, इसको भी अच्छे से स्टर कर लेंगे इसके अंदर। इसको हम कॉन्स्टेंटली स्टर करेंगे फॉर अबाउट 1 to 2 मिनट्स, ताकि जो चिली फ्लेक्स हमने डाले हैं वो नीचे से जल ना जाए। अब मैंने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी है। आई लेट इट कूल डाउन फॉर 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद मैं इसके अंदर विनेगर ऐड कर दूंगी। विनेगर में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और अब हम इसमें चिली मिक्सचर डाल देंगे। अब इसमें चला जाएगा विनेगर, और इसे अच्छे से हम कर लेंगे स्टर, एंड आवर चिली ऑयल इज रेडी। फिर द डम्पलिंग मिक्सचर चॉपर में मैंने ऐड कर दिया चिकन। अब चला जाएगा मशरूम मिक्सचर। अब इसमें चले जाएंगे ग्रीन अनियंस। मैंने बाकी सारी सॉसेस वगैरह इसमें डाल दी थी, और अब मैं इसे कर लूँगी चॉप। ये चॉप होके मिक्सचर कुछ इस तरह का हो गया है। अब हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक डम्पलिंग पेपर ले लिया, इसमें थोड़ा सा मटीरियल डाल दूँगी मशरूम और चिकन का, और पानी से हम इसकी एजेस को ग्रीस कर लेंगे, और इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। बस ये डम्पलिंग तैयार हो गए। इस तरह मैं सारी प्रिपेयर करके फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी गाइज, माय डम्पलिंग्स आर ऑल रेडी। इसको मैं लास्ट कुछ मिनट्स में फ्राई करूँगी। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ऑरेंज चिकन। ये मैंने लिया है चिकन ब्रेस्ट, इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। फॉर द सॉस आई विल बी यूजिंग जिंजर एंड चॉप जिंजर एंड गार्लिक। इसमें जाएगा टेट्रा पैक और ऑरेंज जूस, क्योंकि ऑब्वियसली ऑरेंज सीजन में नहीं है। और केचप जाएगा, मैं चिली केचप यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल रेगुलर केचप भी यूज़ कर सकते हैं। लाइट सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, स्पाइसेस में जाएगी ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, गार्लिक पाउडर, चिली फ्लेक्स, ससमी ऑयल ऐड करेंगे। स्लरी बनाने के लिए हम कॉर्नफ्लावर यूज़ करेंगे,
ब्राउन शुगर जाएगी, थोड़ी सी सॉल्ट जाएगी, हॉट सॉस जाएगी, और इसमें जाएगा चिकन क्यूब, विनेगर, डार्क सोया सॉस एंड दैट्स इट। अब सबसे पहले जो है चिकन को मैरिनेट करना है एक बैटर बना के। तो बैटर के लिए मैं यूज़ करूँगी मैदा, अंडा और पानी, और थोड़ी सी हम सॉल्ट एंड पेपर ऐड करेंगे, वो मैं आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। इसको और क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दिया। अब चला जाएगा अंडा, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, अंडा ऐड कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड इन लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड पेपर, और फिर पानी डाल के हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। सॉल्ट और पेपर डाल दिया, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ना रनी रखनी है ना बहुत ज़्यादा थिक रखनी है। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स एंड देन आई विल शो यू। ये मेरा बैटर तैयार हो गया, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ना रनी है ना थिक है। और अब ये सारा जो बैटर है ये मैं पोर कर दूँगी इस चिकन पे। इसको हम मैरिनेट होने रख देंगे फ्रिज में फॉर अबाउट 15 मिनट्स एटलीस्ट, उसके बाद इसकी फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। फिफ्टीन मिनट्स हो गए थे और मैंने इसे फिर से निकाल लिया है, और यहाँ पे मैंने इसे टेस्ट करने के लिए डाला है तो ऑयल बबल होना शुरू हो गया है। और वन बाय वन करके मैं इसमें चिकन के जो पीसेज हैं वो ऐड करती जाऊँगी एंड आई लेट देम फ्राई। ये जो बैटर है ये ऑलमोस्ट एक टेम्पूरा के बैटर की तरह बना है, सो इट हैज़ टू बी वेरी नाइस एंड गोल्डन व्हेन यू फ्राई इट। अब इसको हम कुक कर लेंगे फॉर अबाउट 6 to 7 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली ऑन मीडियम हाई फ्लेम। यहाँ चिकन को अभी मैंने डाला है तो अभी मैं इसे फ़ौरन मूव नहीं करूँगी, आई लेट इट कुक फॉर एटलीस्ट 1-2 मिनट्स के बाद मैं एक स्ट्रेनर से इसे अच्छे से मूव कर लूँगी सो दैट इट गेट्स फ्राइड इक्वली फ्रॉम ऑल साइड्स। मैं चिकन को साथ साथ फ्लिप कर रही हूँ, देख सकते हैं कि कितना क्रिस्पी और मज़े का लग रहा है। बस इसे मैं 2 से 3 मिनट और दूँगी जब तक इसके ऊपर एक गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता एंड देन आई विल रिमूव इट ऑन अ वायर रैक ओवर हियर। नीचे मैंने एक सील की फिर रख दी ताकि एक्सेस ऑयल इसमें ड्रिप करता रहे। चिकन पे बहुत प्यारा सा लाइट सा कलर आ गया है और अब मैं इसे रिमूव कर रही हूँ वायर रैक पे। मैंने दूसरा बैच डाल दिया, ये फ्राई होके मैं निकालूंगी। आफ्टर दैट आई प्रिपेयर द सॉस। मैंने आपको ये चिकन दिखाना था कि कितना क्रिस्पी बना है, ये देखें। जब तक यहाँ पे सेकेंड बैच फ्राई हो रहा है यहाँ मैंने रख दिया है अपना इंडक्शन और इसमें मैंने स्प्रे कर लिया है अबाउट 2 tablespoons ऑफ ऑयल। जैसे ही हीट अप हो जाएगा इसके ऊपर मैं अपनी डम्पलिंग्स प्लेस करूँगी, उसे क्रिस्पी होने देंगे, पानी ऐड करके उसका फिर स्टीम कर लेंगे। इस तरह मैं इसके ऊपर रखती जाऊँगी। पैन मेरा अच्छा हीट अप हो गया है क्योंकि मैं पॉट स्टिकर्स बना रही हूँ। आप चाहें तो इन डंपलिंग्स को बॉयल भी कर सकते हैं, प्योरली स्टीम भी कर सकते हैं। मैं पॉट स्टिकर्स बना रही हूँ जो कि नीचे से क्रिस्पी होते हैं ऊपर से सॉफ्ट होते हैं। तो जैसे ही इसकी क्रस्ट फॉर्म हो जाएगी फिर मैं इसको अब 1 से 2 मिनट के लिए क्रस्ट फॉर्म होने दूँगी, उसके बाद मैं पानी ऐड कर दूँगी। ये क्रिस्पी होना शुरू हो गया, अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैंने इसे लिड से कवर कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू लेट इट कुक फॉर एटलीस्ट 5 to 8 मिनट्स, जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते और बॉटम क्रिस्पी नहीं हो जाता। अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ ऑरेंज चिकन की सॉस। जब तक मेरी डम्पलिंग्स हो रही हैं यहाँ पे मैंने ले लिया जिंजर गार्लिक चॉप्ड थोड़े से ऑयल में। इसी यही वाला ऑयल मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दिया है। जैसे ये फ्रेग्रेंट होना शुरू होगा इसके अंदर मैं सारी का सारा जूस और जो हमारी सॉस है मैं आपको दिखाती हूँ। केचप, ऑरेंज जूस, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, स्पाइसेस, शुगर, सब कुछ इसमें इकट्ठा ही ऐड कर दूँगी। और लास्टली फिर इसमें मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर की सरी और सम टॉप कर देंगे सेसमी ऑयल से और माई सॉस तैयार हो जाएगी। इसमें चला जाएगा ऑरेंज जूस। फ्लेम मैं इसकी रखूँगी बिल्कुल लो के ऊपर क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इसमें ग्रेवी रहे क्योंकि हमने ये सारा कुछ ऐड करना है इसकी, ये भी सॉस एब्जॉर्ब करेगा। तो बिल्कुल मैंने फ्लेम इसकी लो कर दिया। साथ चला जाएगा केचप, लाइट सोया सॉस, डार्क सोया सॉस, विनेगर, हॉट सॉस, ऑयस्टर सॉस, ब्राउन शुगर और सॉल्ट, स्पाइसेस, चिकन क्यूब। इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे। जैसे ही सारे स्पाइसेस मिक्स हो जाएंगी फिर मैं फ्लेम थोड़ी सी इसकी खोलूँगी और हम इसकी सॉस को थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। यहाँ पे जो मशरूम्स थे उनका जो थोड़ा सा पानी रह गया था जिसमें मैंने उनको सोक किया था वो मैं डालूँगी कॉर्नफ्लोर में। ये इसकी बना लेंगे स्लरी और इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये इसमें बबल आना शुरू हो गया है और मेरा चिकन क्यूब और बाकी सारी चीज़ें अच्छे से इसमें डिजॉल्व हो रही हैं। अब मैं इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने दूंगी, उसके बाद इसमें ये स्लरी ऐड कर दूंगी। इसमें बॉयल आ गया है, अब इसमें चली जाएगी स्लरी और बहुत जल्दी से मैं उसकी हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी।
मैंने इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। इसको अच्छे से इसमें टॉस कर लेंगे एंड दैट्स इट, आवर ऑरेंज चिकन इज आल्सो रेडी। फ्लेम में कर रही हूँ उसकी ऑफ। मैंने थोड़ी सी ग्रेवी लेनी थी, यूजुअली तो ये बहुत स्टिकी होता है लेकिन अभी थोड़ी देर में ये सारा चिकन इसकी ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर ही लेगा, सो मैंने इसे थोड़ी रनी साइड के ऊपर रखा है। यहाँ पे मेरे डम्पलिंग्स भी ऑलमोस्ट हो गए, मैं इसकी लिड रिमूव कर रही हूँ। पानी सारा जो है इसका इवेपोरेट होने देंगे, जितना भी इसमें रेजिडुअल पानी रह गया, और बस बॉटम जैसे ही क्रिस्पी होना शुरू होगी तो हम इसको निकाल लेंगे। ये मेरी डम्पलिंग्स तैयार हो गई, मैंने आपको बैक साइड दिखानी थी कि क्रिस्पी है और फ्रंट साइड जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। नाउ आई एम गोइंग टू सर्व देम। ये मैंने नूडल्स भी पहले से बना के रख ली थी। नाउ लेट्स गो टू द टेबल। आई होप यू गाइस लाइक द रेसिपी। इतना मुश्किल नहीं है बनाना। आई विल मेंशन वेयर आई गॉट द डम्पलिंग पेपर्स फ्रॉम। ये मैंने लिए थे GN स्टोर्स F6 कुसार मार्केट से। आई थिंक ये और भी डिफरेंट स्टोर्स में मिल जाते हैं। यू कैन इवन ट्राई अल्फता या फिर आप जो है ईसा जी पे भी देख सकते हैं, आई थिंक वहां पे मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट द ऑरेंज चिकन टर्नड आउट सो जूसी। जब वो मैंने फ्राई करके निकाले थे वो इतने क्रिस्पी थे, और जब बना लिए थे सॉस में डालने के बाद वो इतने टेंडर और बहुत जूसी बने थे। सो दिस वॉज टूडेज वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। आई विल बी सीइंग यू गाइज नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।